हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पी के एस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों मेरा नाम है प्रेम कुमार, आप देख रहे हैं पी के एस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों एनएसपी का एक बहुत ही खतरनाक वैकेंसी निकला है, ठीक है ना, स्टाफ सिलेक्शन नॉन टेक्निकल। इसमें कोई टेक्निकल की मांग नहीं है, इसमें बहुत ही अच्छा पोस्ट है, 14,000 पोस्ट है, ठीक है ना। क्लास टेंथ, जो क्लास टेंथ पास है और जो क्लास 11th 12th ग्रेजुएट भी पास है, वो भी इस कैंडिडेट इसको में भर सकता है, अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका फॉर्म फिलअप कैसे करना है, चलिए हम इसको नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करता है इसको हम जैसे पूरा एक एक प्रोसेस देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो सबसे पहले चल जाना है आपको, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर आपको टच कर देना है। टच करने के बाद आपको इस वेबसाइट पर आ जाएगा, इस पेज पर पहुँच जाइएगा, या तो आपको सबसे पहले गूगल में जाने के बाद आप आसानी से इसको सर्च कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट, ठीक है ना। सरकारी रिजल्ट को खोलने के बाद आपको सेकेंड नंबर का एक जो ऑप्शन मिलेगा लेटेस्ट जॉब में, वहाँ से जाकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं और उसको भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने जो आपको दिख रहा है नोटिफिकेशन दिख रहा है, दोस्तों इसको हम डाउनलोड कर चुके हैं, अब आपको दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको सबसे पहले देख लीजिए, यानी कि यूजर नेम, ठीक है ना। तो दोस्तों यूजर नेम और पासवर्ड, दोस्तों कभी भी आप जो है सो इस फॉर्म में अगर लॉगिन किए हैं, रजिस्टर किए हैं, तो उसका यूजर नेम और पासवर्ड अगर आपको मालूम है तो वहाँ से आप इसको भर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको फॉरवर्ड को क्लिक कर सकते हैं, नीचे फॉरवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ कैप्चा को भर देना, ठीक है ना, तो आपको लॉगिन हो सकते हैं। या नहीं तो आपको क्या करना है, आपको फिर से जाना है, उसके बाद नया से आपको लॉगिन कर लेना है, और करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। धीरे धीरे पूरे प्रोसेस चलिए देखते हैं। तो चलिए हम इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं, इसका नोटिफिकेशन हम डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना। नोटिफिकेशन डाउनलोड कर चुके हैं, देखिए इसी पेज पर आ चुके हैं, देख लीजिए इसका नोटिफिकेशन हो चुका है। नोटिफिकेशन में लिख दिया है, साफ साफ लिखा है कि देख लीजिए, यानी कि म्यूट टेक्निकल, ठीक है ना, टेक्निकल यानी कि नॉन टेक्निकल, ठीक है ना। सिविल जो है सबसे पहले देख सकते हैं, यानी कि कोई भी इसमें टेक्निकल की जरूरत नहीं है, इसमें सभी कैंडिडेट भर सकते हैं, जो क्लास टेंथ पास है वो भी भर सकते हैं, क्लास 11th 12th जो ग्रेजुएट है वो भी भर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि अब फॉर्म अप्लाई का डेट आपके सामने दिख रहा है, ठीक है ना, ऑनलाइन डेट, ठीक है ना, अप्लीकेशन का डेट है 5/2 से 5 तारीख से चालू हुआ है, यानी कि कल से ही चालू हुआ है, और आज जो है सबसे पहले आज हम एक दिन वीडियो इसको हम कल लॉन्च करेंगे इसलिए। और ये जो है सो लास्ट डेट देख लीजिए क्या लिखा है, लास्ट डेट ये जो दिया है 21 दिन तक दिया है, आप देख सकते हैं 21 दिन तक दे चुका है। तो दोस्तों ये रहा लास्ट डेट, देख लीजिए 23 दिन तक है, कुछ कुछ ऐसे भी है 23 तारीख तक भी है। दोस्तों इसमें काफ़ी ज़बरदस्त वैकेंसी है, बहुत ही पोस्ट हैं, तो इसको आप पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे आसानी से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपको दिखा गया है डिटेल अबाउट, ठीक है ना, आपके सामने जो दिख रहा है, देखिए ST, ठीक है ना, ST के लिए जो है सो 5 ईयर्स का छूट, जो तो आपको कास्ट के अनुसार छूट भी दिया जाएगा, तो कास्ट के अनुसार जो छूट दिया जाएगा, तो यानी ST के लिए 5 वर्ष का दिया गया है, OBC के लिए 3 वर्ष का दिया गया है दोस्तों, और यानी कि PWD के लिए 10 वर्ष का छूट दिया गया है। तो इस छूट को आपको क्या करना है, छूट दिया गया है, आप इस छूट को जो है ना अपना देख लीजिएगा, जिसका उम्र जो है सो मान लीजिए ST का है जो है सो 30 वर्ष है, तो वो भी भर सकते हैं, और OBC के लिए जो उसका 28 है वो भी भर सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो है सबसे पहले जनरल कास्ट हो गया, जो है सबसे पहले निम्न कास्ट जिसको बोलते हैं, तो वो जो हो गया सॉरी जनरल कास्ट को निम्न कास्ट नहीं बोला जाता है, यानी कि निम्न मतलब छोटा जाति होता है, वो उसको क्या है तो 10 वर्ष का छूट दिया गया, ठीक है ना। आप देख सकते हो OBC में 13 वर्ष का भी छूट दिया गया, तो काफ़ी छूट दिया गया, आपको बहुत अच्छा मौका है, इसको भर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा, और आप देख सकते हो इसको पूरा नोटिफिकेशन को पढ़ लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना, नीचे स्क्रॉल करते जाना, धीरे धीरे देख सकते हैं, ठीक है ना, 3 ईयर फ्रेंड्स जो है पहले डिक्रीज ऑफ द स्किल का दिया गया, ठीक है ना, पूरा आप भर सकते हैं इसको। धीरे धीरे जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, तो आप देख लीजिए पूरा म्यूट आपको जो है सो दिया गया है, जो दिया है उसको आप पढ़ सकते हैं, और धीरे धीरे आप पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इसको हिंदी में नोटिफिकेशन नहीं दिया, हिंदी में हम लोग को नहीं होता पढ़ा हुआ, इसलिए हम हिंदी में नोटिफिकेशन डाउनलोड नहीं किए हैं। तो हिंदी नोटिफिकेशन का भी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहाँ से भी जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अगला प्रोसेस क्या होता है, तो वीडियो में बने रहिएगा, आप देखते हैं फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे। तो दोस्तों फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले उसी वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर नीचे जब इंस्टॉल करते करते जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कैसे क्या होता है। तो वीडियो बने रहिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, या तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके हाथ में है। और हमारे चैनल पर नए हैं, ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिएगा, ताकि हमारा अगला वीडियो आपको तक तुरंत पहुँचेगा। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं तो कैसे क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों आ चुके हम इसका ऑफिशियल पेज पर, आप देख सकते हैं ऑफिशियल पेज पर आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है,
धीरे 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 इंस्टॉल करते जाना है, देख सकते हैं आप जो देख लीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि एसटी के लिए आप देख सकते हैं, एसएससी का कभी भी आप कोई फॉर्म फिलअप किए हैं अगर उसका अगर आप जो है सो रिव्यूजन नेम और पासपोर्ट है तो लॉगिन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या तो रजिस्टर भी कर सकते हैं, या तो इसका फॉर्मेट पासपोर्ट का ऑप्शन है, इस पर जाकर क्लिक करिएगा, अपना यूजर नेम और पासपोर्ट निकाल सकते हैं दोस्तों। तो इसको आप करने के बाद धीरे धीरे कुछ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते बढ़ते जाना है और देख लीजिएगा कैसे क्या प्रोसेस होता है। इसमें अपना देख लीजिए यूजर नेम और पासपोर्ट डाल लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है यूजर नेम एंड पासपोर्ट, तो इस पर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना है। फॉर्मेट पासपोर्ट का एक ऑप्शन है, फॉर्मेट पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है और आपको देख लीजिए खुल चुका है मेरा। अब धीरे धीरे आपको जाना है यस या नो, ठीक है ना। यू डोंट डो आधार क्या आपको इसको जैसे कभी किए थे तो नहीं किए थे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अपना आधार नंबर नो कर दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर अपना जो है सबसे पहले आधार नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों। आधार नंबर डालने के बाद वेरीफिकेशन आधार कार्ड दोस्तों, आइडेंटिटी कार्ड में आपको सेलेक्ट कर लेना है जो आइडेंटिटी कार्ड है आपके पास, जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, वीजा, पासपोर्ट जो है आप उसको सर्च कर सकते हैं, आप इसको अपना सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आईडी नंबर जो डालिएगा ऊपर हम सर्च कीजिएगा, वहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे आधार कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा तो आधार नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा, इसके बाद नेम अपना डालिएगा, ठीक है ना, वेरीफिकेशन नेम, ठीक है ना, उसी का नाम को वेरीफिकेशन करके यस कर दीजिएगा या नो कर सकते हैं, आपको मर्जी है, ठीक है ना। न्यू नेम दोस्तों, क्या आपका नया नाम है, कोई दूसरा नाम है तो वो भी डाल सकते हैं दोस्तों, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है दोस्तों। वेरीफिकेशन, ठीक है ना, फादर नेम, इसके बाद मदर नेम इसको बार डालिएगा, ठीक है ना, वेरीफिकेशन, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ अच्छा डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। इसके बाद देख लीजिए क्लास टेंथ मार्कशीट का बोल रहा है, यानी कि एग्जाम डिटेल, ठीक है ना, क्लास टेंथ में एग्जाम डिटेल में आपको क्या क्या था इसको सेलेक्ट करके आप जैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाना है। इसके बाद देख लीजिए जो है, मान लीजिए हम बिहार बोर्ड, मान लीजिए बिहार बोर्ड से, ठीक है ना, तो बिहार बोर्ड दे देते हैं। देख लीजिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड है, इसको हम टच कर दिए। अगला क्या है देख लीजिए, वेरीफिकेशन बोर्ड, ठीक है ना। तो इसके बाद धीरे जाना है, आपको जो है कुछ नहीं करना है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को इसको भी सर्च कर देना है। इसके बाद देख लीजिए रोल नंबर दोस्तों, तो रोल नंबर डाल दीजिएगा दोस्तों। जैसे कि मेरा रोल नंबर है तो आप अपना रोल नंबर डाल देते हैं, अपना रोल नंबर डाल सकते हैं। तो दोस्तों, तो रोल नंबर डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, धीरे धीरे जाना है। और यहाँ पर जैसे रोल नंबर अपना डाल दीजिएगा, इसके बाद देख लीजिए जो भी चीज़ है रोल नंबर अपना डाल देते हैं। तो रोल नंबर डाल दोगे, यहाँ पर देख लीजिए मेल या फीमेल है, आप दोनों डाल देते हैं। यहाँ पर जो आपको खाली जगह दिख रहा है अपना रोल नंबर डालिएगा, ठीक है ना। हमारा रोल नंबर कितना में दिए थे, 2014 में 15 में मैट्रिक पास किया, ठीक है ना, 15, तो इसलिए जो है सबसे पहले, और आप मेल है या फीमेल है या कोई है आप डाल सकते हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों, तो मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले क्लास टेंथ का ऊपर में जो ऑप्शन था, तो क्लास टेंथ उस पर डाल दीजिएगा, हो चुका है। अगला कुछ नहीं, ठीक है ना, क्लास टेंथ हो गया है। अब यहाँ पर देख लीजिए अपना मोबाइल नंबर डालना है दोस्तों। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर नीचे में दिया वेरीफिकेशन यानी मोबाइल नंबर फिर से डालिएगा, वेरीफिकेशन, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोस्तों। इसमें अपना ईमेल आईडी डालना है जिस पर आपको कोड ओटीपी जा सके, जो ईमेल चालू हो, ठीक है ना। इसके बाद वेरीफाई ईमेल कर देना है। इतना चीज़ जल्दी हम जल्दी जल्दी भर देते हैं, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, मेरा अभी कई स्टूडेंट का फॉर्म भरना है, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी इसको भर देते हैं, इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पर जो भी चीज़ है अभी जो है सब बिहार से, तो अपना बिहार डाल दिया है, अब इसको हम पूरा भर देते हैं। आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। चलिए हम इसको भर देते हैं, जल्दी जल्दी भर देते हैं, इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, भरने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे जाना है। इसके बाद देख लीजिए जो भी चीज़ है, और आपको फोटो कैसे भरना है तो आगे प्रोसेस अगले वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को डिसलाइक भी कर सकते हैं आपके ऊपर में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।